एक दिन वीर और दादाजी लेब में काम कर रहे थे। वीर दादाजी से कहता है, दादाजी ये रोबोट क्या मैडमैक्स की शक्तियों से लड़ पाएगा? तो दादाजी वीर से कहते हैं, वीर तुम्हें नहीं पता ये कितना ज्यादा ताकतवर है और इसकी ताकत के आगे मैडमैक्स की पूरी सेना कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसका एक वार बड़ी से बड़ी चीज को फोड़ सकता है और तबाह कर सकता है। तो वीर दादाजी से कहता है, दादाजी क्यों ना हम इसे टेस्ट करने लेकर जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि इस रोबोट में कितनी शक्तियां हैं। तो दादाजी वीर से कहते हैं, ठीक है वीर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हम लोग इसको एक गार्डन में लेकर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि इसकी शक्तियां कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर वीर और दादाजी उस रोबोट को लेकर जंगल में चले जाते हैं ताकि वो उस रोबोट की शक्तियों को देख सके। एक जगह पर बड़ी चट्टान होती है। दादाजी वीर से कहते हैं, देखो वीर ये रोबोट अब शक्तियां फेंकेगा। वो सामने चट्टान दिखाई दे रही है, वो चट्टान को ये रोबोट की एक शक्ति से डायरेक्टली नुकसान हो जाएगा, यानी कि वो चट्टान फूट जाएगी। तो वीर दादाजी से कहता है, दादाजी फिर इस रोबोट को ऑर्डर दीजिए ताकि ये चट्टान को फोड़ सके। तो दादाजी उस रोबोट को ऑर्डर देते हैं। वो रोबोट अपनी शक्तियों से उस चट्टान को फोड़ देता है। तो वीर दादाजी से कहता है, दादाजी सच में ये रोबोट तो बहुत कमाल का है। अब मुझे ये देखना है कि मैडमैक्स के सिपाहियों से कैसे लड़ेगा और कैसे उनको खत्म करेगा। तो क्या दोस्तों आप भी देखना चाहते हो कि मैडमैक्स के सिपाही को ये रोबोट कैसे मारेगा? अगर आपको भी सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलना और नीचे जो काला वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर देना। थैंक यू बच्चों।